जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आप जितना हॉर्न बजाएंगे आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। आपने अपने शहर में ड्राइविंग करते हुए बस, ट्रक और बड़े वाहनों के पीछे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा देखा होगा, हॉर्न प्लीज। दरअसल ट्रकों के पीछे तो अक्सर ये लिखा होता है, बजा हॉर्न निकल फौरन। और इससे पता चलता है कि भारतीय ड्राइवर्स हॉन्किंग यानी हॉर्न बजाने की अपनी आदत से कितना प्यार करते हैं, और वो उसी को आगे निकलने देते हैं जो हॉन्किंग करता है यानी जो हॉर्न बजाता है। लेकिन बिना वजह और लगातार हॉर्न बजाना एक बहुत बुरी आदत है, नॉइस पॉल्यूशन के लिहाज से भी बेहद खतरनाक, और मुंबई पुलिस ने इसका एक बेहतरीन इलाज निकाला है। देखिए रिपोर्ट। शांत, सौम्य और बेहद खूबसूरत होती है मुंबई की सुबह, लेकिन दिन शुरू होते ही कुछ ऐसे ही होती है मुंबई की सड़कों पर सुबह की शुरुआत। सूरज के किरणें निकलते ही समंदर की शांति गाड़ियों के चिल्लपों में कहीं खो सी जाती है। बजाओ, बजाओ, और जोर से बजाओ। मुंबई भागती और रुको। मुंबई दौड़ती है, किसी को दफ्तर पहुंचने की जल्दी होती है तो किसी को काम पर पहुंचने की हड़बड़ी मची होती है। कोई बच्चों को वक्त पर स्कूल छोड़ने के लिए निकलता है तो किसी को मीटिंग के लिए देर हो रही होती है, और नतीजा भागती दौड़ती मुंबई ट्रैफिक सिग्नल पर थमती है और फिर शुरू होता है न थमने वाला शोर। बजाओ, बजाओ, और जोर से बजाओ, और रुको। लेकिन अब ट्रैफिक सिग्नल पर मुंबई वाले जितना हॉर्न बजाएंगे उनकी गाड़ियों पर उतना ज्यादा ब्रेक लगेगा। जी हां, मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने एक ऐसा तरीका निकाला है जिससे लोग बेवजह के हॉर्न बजाने की आदत से तौबा कर लेंगे। समझ आई बात? नहीं तो हम समझा देते हैं। मुंबई की ट्रैफिक पुलिस ने शहर के अलग अलग ट्रैफिक सिग्नल पर एक ऐसी डिवाइस लगाई है जिसमें आपके हॉर्न की आवाज दर्ज होगी। इस डिवाइस में लगे मीटर में 85 डेसिबल का लेवल सेट किया गया है। अगर सिग्नल पर हॉर्न का शोर 85 डेसिबल से ज्यादा हुआ तो सिग्नल पर वेटिंग टाइम अपने आप 90 सेकंड यानी 1.5 मिनट बढ़ जाएगा। कैसे, वो आप इस वीडियो में देखकर समझिए। बजाओ, बजाओ, और जोर से बजाओ, और रुको। ट्रैफिक सिग्नल से निकलने की जल्दी में अगर लोग हॉर्न का इस्तेमाल जोर जोर से करते हैं तो सिग्नल पर बत्ती ग्रीन होने की बजाय फिर से लाल हो जाएगी और दोबारा वहीं से शुरू होगी जहां से उसका काउंटडाउन शुरू हुआ था। यही नहीं, अगर दूसरी बार फिर हॉर्न का शोर हुआ और लेवल 85 डेसिबल के पार पहुंच गया तो एक बार फिर से 90 सेकंड का इंतजार, यानी आप जितना ज्यादा हॉर्न बजाएंगे वेटिंग टाइम उतना ही ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। समझे ना? Maybe they think that by honking they can make the signal turn green faster. समझते हैं ना? तो अगर आप मुंबई में रहते हैं और वक्त पर अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं तो हॉर्न बजाने की आदत को भूल जाइए, क्योंकि आप जितना ज्यादा हॉर्न बजाएंगे आपकी गाड़ी में उतना ही ज्यादा ब्रेक लगने वाला है। छोटा सर दर्द कंटिन्यू चलते रहता है हॉर्न की वजह से। कम नहीं, बंद ही होगा तो चलेगा, बिना विदाउट हॉर्न का भी गाड़ी चल सकता है। जरूरत रहेगी तो बजाएगा तो अच्छा है ना। कहीं कहीं बोर्ड लिखाया जाते हैं कि यहाँ पर हॉर्न नहीं बजाएगा, ऐसा अगर बोर्ड होगा तो चलेगा। वाले तो बजाते ही है, लेकिन स्पेशली टू व्हीलर वालों को ज्यादा तकलीफ है। टू व्हीलर फोर व्हीलर जो आते हैं वो ज्यादा तकलीफ देते हैं। वो जरा भी गाड़ी रुकी तो चाय चालू हो जाता है। देखो बाकी क्यों रुकी है गाड़ी, किस वजह से रुकी है वो नहीं देखना है, बस पीछे से हॉर्न करना है। दरअसल सिर्फ मुंबई में ही नहीं बल्कि गाड़ी चलाने को लेकर पूरे देश में ही
ये एक मानसिकता बन गई है कि हॉर्न किसी गाड़ी के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि ब्रेक। अगर आपको दुर्घटना से बचना है तो हॉर्न बजाना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। शायद इसीलिए हिंदुस्तान में लोग गाड़ी चलाना बाद में सीखते हैं और हॉर्न बजाना पहले। लोगों की इसी मानसिकता को लेकर महाराष्ट्र में टेम्पो और ट्रकों के पीछे हॉर्न ओके प्लीज लिखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रतिबंध के पीछे दलील दी गई कि ये गुजरे जमाने की बात है, जब राज्य में सड़कें सक्रिय हुआ करती थी और ओवरटेक करने के लिए हॉर्न की बार बार जरूरत पड़ती थी। लेकिन चार चार लेन की सड़क बनने के बाद ऐसे मैसेजेस की अब कोई जरूरत नहीं है। हॉर्न बजाने वाली आदत के चलते ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है, जिससे हर साल लाखों लोग बहरेपन और दिल की बीमारी का शिकार हो जाते हैं। कई बार ये लोगों में चिड़चिड़ापन भी पैदा करता है और कई मामलों में लोग अपना मानसिक संतुलन तक खो बैठते हैं। जबकि ट्रैफिक की समस्या अपनी जगह है, इसमें हॉर्न का कोई रोल ही नहीं बनता। न तो हॉर्न बजाने से जाम छूटता है और न ही इसके चलते आप अपने घर जल्दी पहुंच पाते हैं। हाँ, लेकिन अब अगर आपने मुंबई में हॉर्न का ज्यादा इस्तेमाल किया तो देर पक्की समझिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको सिग्नल पर ज्यादा देर तक रुकना है या फिर जो तय समय सीमा है उसका इंतजार करने के बाद अपने गंतव्य के लिए आगे बढ़ना है। भारत में ट्रैफिक सिग्नल के ग्रीन होते ही वाहन चालक अपना धैर्य खो देते हैं, हॉकिंग शुरू कर देते हैं। इतना ही कुछ नहीं है, दरअसल कुछ ड्राइवर्स तो सिग्नल के ग्रीन होने का इंतजार भी नहीं करते और धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं हॉर्न बजाते बजाते। दरअसल वे इससे जो शोर पैदा करते हैं वो आम आदमी के स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है और आपको जानकर शायद हैरानी हो कि ज्यादा शोर आपकी जान भी ले सकता है। जी हां, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक 80 डेसिबल से ज्यादा की आवाज न सिर्फ कानों को नुकसान पहुंचाती है बल्कि इसका असर पूरे आपके शरीर पर पड़ता है। ज्यादा ऊंची आवाज से हार्ट रेट जो बढ़ने का खतरा है, ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा है, इंटरनल ब्लीडिंग का खतरा भी इससे पैदा हो जाता है। रात में होने वाले शोर बुजुर्गों और छोटे बच्चों की नींद की क्वालिटी पर बुरा विपरीत असर डालते हैं और यहां तक कि ज्यादा शोर के चलते, ज्यादा शोर के बीच में रहने वाले व्यक्ति की जो पूरी पर्सनैलिटी है उसमें एक बदलाव आ जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है और इसके अलावा ज्यादा शोर काम करने की क्षमता को भी प्रभावित करते हैं। तो ये वो महत्वपूर्ण बातें हैं जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हॉकिंग कितना खतरनाक है आपके लिए, हमारे लिए, हमारे अपनों के लिए। ये देश के लगभग हर शहर का हाल है। शहरों में होने वाले ध्वनि प्रदूषण में से 70% वजह सिर्फ वाहनों के हॉर्न होते हैं। ज्यादातर भारतीयों को यह पता नहीं होता कि हॉर्न का इस्तेमाल कब करना है और कब नहीं करना है। बजा हॉर्न निकल फौरन। हॉर्न बजाने पर साइट दी जाएगी। यूज डिपर एट नाइट। इस तरह के जुमले आपने भारत की सड़कों पर बड़े बड़े वाहनों के पीछे लिखे हुए जरूर देखे होंगे। ये एक तरह से सड़कों पर बेशर्मी से लगातार हॉर्न बजाने का इनविटेशन है। हॉर्न का इतना शोर आपको बीमार, बहुत बीमार कर सकता है। कुछ ड्राइवर धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहे ट्रैफिक को चीरते हुए सबसे आगे निकल जाना चाहते हैं और इसके लिए उनका हथियार बनता है गाड़ी में लगा हॉर्न। भारत की सड़कों पर कार चलाने वाले, मोटरसाइकिल चलाने वाले, ऑटो रिक्शा, बस और ट्रक चलाने वाले सब अपने अपने हॉर्न का इस्तेमाल करते हैं, जैसे किसी म्यूजिक कॉन्सर्ट में हिस्सा ले रहे हैं। भारत में हॉर्न का इस्तेमाल
कई बार वाहनों में लगे ब्रेक से भी ज्यादा किया जाता है। बिना ये सोचे कि दुर्घटना टालने के लिए बनाया गया ये यंत्र लोगों को ध्वनि प्रदूषण वाला जहर दे रहा है। ध्वनि प्रदूषण पर काम करने वाली एक संस्था के मुताबिक ध्वनि प्रदूषण में वाहनों के हॉर्न की हिस्सेदारी 70% है, जबकि मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि जरूरत से ज्यादा हॉर्न का इस्तेमाल बताता है कि ड्राइवर चिड़चिड़ा हो चुका है और अपनी ड्राइविंग पर यकीन नहीं है और वो फ्रस्ट्रेशन या कुंठा का शिकार है। हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ पे हॉकिंग क्यों है, तो एक तरफ इम्पेशेंस है, इंटॉलरेंस है, और आप इस वजह से आपकी आपका जब आप ड्राइव करते हैं तो रिफ्लेक्ट करता है कहीं ना कहीं वो चीज़ें कि आप वेट नहीं करना चाहते, आप जल्दी से दूसरे को ओवरटेक करके आगे भागना चाहते हैं, आपके अंदर सब्र की कमी है, और ये दर्शाता है कि आप सबसे ज़्यादा अपने बारे में सोच रहे हैं और औरों के बारे में नहीं सोच रहे। अगर आप भी सड़क पर बिना वजह हॉर्न बजाने के आदि हैं, तो ये सारे लक्षण इस बात के सबूत हैं कि आप भी इमोशनल अत्याचार के लिए हॉर्न को हथियार बना रहे हैं। WHO के नियमों के मुताबिक दिन के वक्त वाहनों का शोर 55 डेसिबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जबकि रात के वक्त इसकी सीमा 45 डेसिबल तय की गई है। लेकिन भारत में ज्यादातर वाहन 60 से लेकर 100 डेसिबल तक का शोर मचाते हैं, और इसमें हॉकिंग यानी हॉर्न बजाने की आदत सबसे बड़ा रोल अदा करती है। दिन में एक निश्चित अवधि के दौरान हॉकिंग यानी हॉर्न बजाने की आदत पर जब एक सर्वे किया गया तो सामने आया कि दिन के एक खास हिस्से में ही दिल्ली में औसतन 1,30,000 बार हॉर्न बजाया गया। इस अवधि में मुंबई में 2,00,000 बार हॉर्न बजाया गया। इसी तरह कोलकाता में 1,07,000 बार और चेन्नई में करीब 90,000 बार हॉर्न बजाया गया। यानी भारत के सभी शहर हॉर्न बजाने वाले हथियार से घायल हो रहे हैं और कोई इसका इलाज नहीं ढूंढ पा रहा है। ज्यादा शोर लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर डाल रहा है। बच्चों और बड़ों को ठीक से न सुन पाने की बीमारी हो रही है, लेकिन शहरों का शोर है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। 85 डेसिबल 5 दिन के लिए 6 to 8 hours a day इज द मैक्सिमम जो हम बर्दाश्त कर सकते हैं। हमारी स्पीच जो मैं अभी आपके साथ बोल रहा हूँ ये अबाउट 50 के आसपास डेसिबल के आसपास है। हॉन्क्स जो हैं वो कभी कभी 100, 110, 120 तक अगर पावर हॉन्क्स हैं वो इतना चले जाते हैं, और जो जॉइंट उनका इफेक्ट होता है बहुत सारे इकट्ठे बज रहे हैं किसी चौराहे पे, ये और भी ज्यादा होता है। हालांकि ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ काम कर रहे लोग आम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिश नाकाफी साबित हो रही है, क्योंकि जो हॉर्न है वो एक्चुअली इमरजेंसी के लिए बना है। मान लो आपकी गाड़ी में कोई पेशेंट है और उसको इमरजेंसी आपको हॉस्पिटल ले जाना है, इसलिए हॉर्न बना था। लेकिन हमारी कंट्री में इतने हॉर्न बजते हैं कि आप सड़क पर चल नहीं सकते हैं, मरीज अस्पतालों में आराम नहीं कर सकते, बच्चे स्कूलों में पढ़ नहीं सकते। तो मैं इतना हैरान होता हूँ कि आप ब्लो हॉर्न साइन को कैसे प्रमोट कर सकते हैं एक सभ्य समाज के अंदर, तो ये बड़ी चिंता का विषय है। रिक्वेस्ट की जाती है हॉर्न दीजिए, ये हैरानी की बात है। हॉर्न प्लीज साइन को बिल्कुल प्रमोट नहीं करना चाहिए, उल्टा लिखना चाहिए डू नॉट हॉर्न, हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। मुंबई में एक ऐसी ही कोशिश के तहत हॉर्न बजाने वालों को नए तरीके से रोकने की कोशिश की गई। भारत में साइलेंट जोन्स में हॉर्न बजाने पर पूरी तरह पाबंदी है, लेकिन वाहन चालक ऐसे इलाकों से भी हॉर्न बजाकर फौरन निकल जाते हैं। ट्रकों और बसों में लगे प्रेशर हॉर्न्स के साथ साथ आम वाहन चालक भी शोर मचाने वाले हॉर्न लगाने से बाज नहीं आते। दरअसल ये सब सड़क पर अपना रौब झाड़ने का तरीका है, और इस सोच ने शहरों को शोर में डुबो दिया है। हमें लगता है कि नियमों का पालन करना और दूसरों की तकलीफ को समझना भी देशभक्ति दिखाने का एक तरीका है, और ऐसा न करना एक तरह की हिंसा है। चुनाव आपको करना है, आप शोर मचाकर अपने ही देशवासियों को परेशान करना चाहते हैं, या फिर जरूरत पड़ने पर हॉर्न का इस्तेमाल करने की शपथ खाकर ध्वनि प्रदूषण को कम करने में अपना योगदान देना चाहते हैं। मुंबई से अंकुर त्यागी, दिल्ली से पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सड़क पर एकाएक कान फोड़ू हॉर्न्स के चलते कई बार लोग डर के मारे हादसे का शिकार हो जाते हैं,
और यही वजह है कि दुनिया के कई देशों में हॉर्न बजाने को लेकर कानून बेहद सख्त हैं। ब्रिटेन में बिना वजह के हॉर्न बजाने पर £1,000 का जुर्माना लगाया जाता है। अमेरिका के आर्कसास में रात 9 बजे के बाद रेस्टोरेंट के बाहर हॉर्न बजाना मना है। 2007 में शंघाई के डाउनटाउन में हॉन्किंग को प्रतिबंधित कर दिया गया था। इजिप्ट की राजधानी में दुनिया की हॉन्किंग कैपिटल इसे कहा जाने लगा था, यानी जो सीरिया में सबसे ज्यादा हॉर्न बजाए जाते हैं। आपको यह भी बता दें कि 2008 में ऑस्ट्रेलिया में नॉइज कैमरास लगाने की शुरुआत हुई थी और इन कैमरास के जरिए ज्यादा हॉर्न बजाने वाले वाहनों को पकड़ा जाता रहा है। और सड़क पर लगातार हॉर्न सुनने की वजह से न सिर्फ परेशानी होती है, चिड़चिड़ापन होता है, बल्कि ड्राइवर्स तनाव में आ जाते हैं और इससे एक्सीडेंट्स का खतरा और बढ़ जाता है। ऐसे में मुंबई की तर्ज पर अब जरूरत है कि भोपाल सहित प्रदेश के सभी शहरों में हॉर्न पर ब्रेक लगाए जाने पर नियम सख्त किए जाएं और हॉर्न बजाए जाने को लेकर इस पर ब्रेक लगाना बेहद जरूरी है। न सिर्फ भोपाल बल्कि उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों जिसमें लखनऊ और वाराणसी, नोएडा जैसे शहर आते हैं, उसके अलावा राजधानी दिल्ली और NCR के क्षेत्रों में भी बेहद सख्त इस पर कदम उठाने की जरूरत। जो लोग बहुत ज्यादा उतावले हो जाते हैं सड़कों पे गाड़ियां चलाते समय, उनमें मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई मानसिक परेशानी रहती है, चाहे वो मूड डिसऑर्डर से ग्रसित हो जहाँ पे उन्हें अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है, गुस्सा आ जाता है। तो एक तो पेशेंस की कमी है लोगों में आजकल, धीरज की कमी है, उन्हें लगता है कि मतलब उनका रास्ता कोई ना रोके। वो यहाँ पे सिविक सेंस की भी बहुत ज्यादा कमी है मुझे लगता है लोगों में, लोग ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं फॉलो करते। तो आज एक संकल्प कीजिए कि बहुत जरूरत पड़ने पर ही आप हॉर्न बजाएंगे और बेवजह हॉन्किंग से बचेंगे। इसी के साथ